बताओ कहाँ पर है हम लोग? हम है यूरोप के टॉलेस्ट टावर पे। हेलो नमस्कार, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूरोप चैनल MSK। मेट्रो का सफर हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम जाएंगे पूरे यूरोप के टॉलेस्ट टावर में। थोड़ा दुबई वाला फील है। अभी तक जो टॉलेस्ट टावर है जहाँ पर अभी जा रहे हैं हम, उस टावर का नाम क्या है? ओको टावर। ओको टावर, ये वाला ओको टावर है। और जब एक सेंट पीटर्सबर्ग में टावर है लख्ता टावर, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो इट विल बिकम द टॉलेस्ट टावर इन यूरोप। आर यू एक्साइटेड? यस। चल चल के पैर कमर सब दुखे मेरे। जैसे ही बैठने का चांस मिलता हम बैठ जाते हैं। पैर क्या बोल रहा? पैर दुख गया मेरा। क्या टिकट का कॉस्ट क्या है? 1500 पर पर्सन। फॉर हाउ मेनी आवर्स? नो आवर्स। एज मच एज यू वांट यू स्टे देयर। हां, पैसा वसूली करने में भारतीय जनता एक नंबर। कभी कभी वसूली करने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। वसूली की तो बात ही मत करो। इससे ऊपर खाली प्यारे, तो इट्स अ रोमांटिक प्लेस। अच्छा ये सबसे ऊपर है? यस। और ये इधर है हम? वो बैग दे दो ना। लॉकर फ्री है? हाँ फ्री। थैंक यू। ऊपर क्या ठंडी भी लगती है क्या? ब्लैंकेट देते हैं ना आपको। Okay. All right, shit. ये तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, बढ़िया है। ये व्यू खराब कर रहे हैं। बताओ कहाँ पर है हम लोग? हम है यूरोप के टॉलेस्ट टावर पे, टॉलेस्ट टावर के टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर जो था वो था 85th फ्लोर, उसके ऊपर भी है ये एरिया। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, जो सुरसुरी हवाएं चल रही है, कानों से गुजर रही है ना, बहुत ऐसे कानों को लग रहा है। लेकिन वो लोग ने उसकी भी अरेंजमेंट्स कर रखी है, नीचे ब्लैंकेट्स मिलते हैं जैसे लोगों ने पहने हुए हैं। लोगों ने पहने हुए ऐसे मिलते हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम अभी इंजॉय कर रहे हैं सनसेट का, और जैसे ही सनसेट हो जाएगा उसके बाद ये ठंड का स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट ये जो ब्यूटी है ना, इसको सिर्फ ये जो जालियां लगी है, ये तो सेफ्टी के लिए लगाया गया है। लेकिन अगर इसकी जगह शीशा होता तो हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा होता, जैसे बुर्ज खलीफा में था। मैं इसके अंदर से हाथ बाहर निकाल के शूट कर रहा हूँ मेरे आईफोन से, कैमरा तो जाएगा नहीं और आईफोन गिरने का रिस्क है। बट जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर तो इश्क है। क्या था इसका टैगलाइन भी वही है ना? रिस्क है तो इश्क। नहीं नहीं नहीं, ये जो यहाँ पर है इसका मतलब क्या था? लव अबव ऑल इज लव। रिस्क है तो इश्क है, और अगर इश्क है तो हम सबसे ऊपर है, और ऊपर के ऊपर है लव, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या। जम गए मेरे हाथ। बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, पूरा का पूरा मॉस्को शहर दिख रहा है। तो जब कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म हुआ था तब हम लोग निकले थे दुबई, जहाँ पर हमने देखा था वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग। वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर वो भी स्काई VIP पास लेके। ठंड की वजह से मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा है, मैं तो जम चुकी हूँ। और अभी
अभी हम है यूरोप के टॉलेस्ट बिल्डिंग में, बिल्डिंग के टावर में, टॉलेस्ट बिल्डिंग के हाईएस्ट फ्लोर पे। और इसी बिल्डिंग में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट और क्लब है, जो बहुत ही सुंदर है और एक्सपेंसिव भी है। और इसका मिनिमम बुकिंग कॉस्ट है 60,000 रूबल्स। 60,000 का बिल बनाओ और वहाँ बैठ जाओ। ऊपर काफी ज्यादा ठंड हो गया था तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और हमने जो टिकट लिया था उस टिकट पे हमें एक ड्रिंक फ्री है। एक टिकट पे एक ड्रिंक फ्री है। थैंक यू सो मच थोड़ा जोर से बात करने के लिए। एक टिकट पे एक, मैं जम चुकी हूँ, मेरे इनसाइड्स जम चुके हैं। आई कांट हेल्प इट। वन कॉफी प्लीज। यू ब्रदर कैपेचिनो। टू कैपेचिनो। यहाँ पे रुमाल रखना पड़ेगा। मैं हूँ ना, रुमाल रख, तेरा बैग रख दे वहाँ पर, सीट पकड़ लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और 8:30 बजे। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि सारी लाइटें जल चुकी है, और अभी जो दिख रहा होगा आपको, आपको जो अभी दिखेगा थोड़ी देर में, वो होगी खूबसूरती, क्योंकि रात को मॉस्को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुनो, अभी जैकेट लेना बहुत जरूरी है। इमरान भाई, आप पता ना, आप हीरो हीरो की रक्षा पहले की जाती है। मैं कह रहा हूँ, जब टॉन्सिल होंगे ना ठंड के वजह से, तब इनको पता लगेगा। अभी पहन लीजिए आप। हॉबिट लग रहे हैं, हॉबिट। यार इसमें क्लिप नहीं है, ये पूरी मुस्लिम लग रही है अभी। इसको कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? हाँ बस लपेट लो। ठीक है फिर, इतना बस है। पहले ये देख, सब देख ऊपर से कैसे आ रहे हैं। अगर इमरान भाई और फैजल पहन रहे हैं, मतलब जरूरी है। हम ठाकुर बन गए। नहीं, अभी हवा वहाँ चल रही है। ठाकुर वहाँ जा। नहीं 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 वहाँ जा। नहीं, क्या बात है, अमेजिंग ब्लू स्काई। अभी तक सनसेट ठीक से हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अभी सनसेट होना बाकी है। हमारे पास दूसरा लेंस है ना, है ना, कमाल दिखाने के लिए। खतरनाक कत्ल करता है ये चीज, देखिए वो कत्ल को। ए बीरोल। कौन है बीरोल? मिस्टर आर्य उपाध्याय। उपाध्याय मैं तो चल रहा हूँ, मैं कुल्फी जम जाऊंगा यहाँ पे, मेरे अंदर से धड़कन कांप रही है। जल्दी जाना पड़ेगा। आ रहा, जल्दी आ जाना दोस्त, अपनी तो कुल्फी जम गई। ज्यादा नहीं, हम लोग यहाँ पर कितने रुके होंगे, हार्डली 15 मिनट, 15-20 मिनट में हालत खराब हो गई। क्या उससे भी कम? ऑब्वियसली उससे कम। अभी भागेंगे, निकालो ठाकुर को। यहाँ पर आने का पास था, पता है किधर है वो? मेरे पास। संभाल के रखना उसको, ठीक है? घर जाने के बाद में बुर्ज खलीफा का जो स्काई वीआईपी पास है, उस पास के बाजू में इसका पास रखूंगा। डील डन करो। डन है। चलो 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 चलो। क्या गाड़ी है यार ये, कलर भी देखो क्या सेक्सी है यार। फैजल भाई कह रहे थे कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मर्सिडीज अगर कहीं पर है तो वो रशिया में। मेबैक सबसे ज्यादा, मर्सिडीज में भी सबसे ज्यादा जो मेबैक बिकी है। हिस्ट्री ऑफ मर्सिडीज इन सेल्स, विच इज मेबैक सेल इन रशिया, देख लो एग्जांपल के लिए। और इतनी मर्सिडीज, इतनी बीएमडब्ल्यू, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, हमर फमर जो भी है, मतलब सब हमने देख लिया है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास भी होना चाहिए। आ गई ये हमारी, बैठो बैठो बैठो, तुम्हारे बैठ रहे हो। हाँ, आज भी हम लोगों ने इतना चला, चल के पैर चल दिए अपने। पता नहीं यार, थक गए यार। मतलब एक चीज है कि अगर किसी को मॉस्को एंजॉय करना, रशिया एंजॉय करना है ना, तो 15-20 दिन पहले चलने की आदत डाल दो। अदरवाइज ऐसा होगा, तुम एक जगह पे घूमने के लगे थक गए। और यहाँ पर देखो फैजल भाई को और इमरान को, क्या उनको आदत है? एकदम फ्रेश उनको, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो क्यूट ऐसा लगता है। उनकी वो फ्रेंड तो हील्स में घूम रही है, और हम यहाँ पर, अरे हम घर जाना है हमें। और इमरान भाई गए अभी थोड़े टाइम, हम यहाँ पर रेस्ट लेंगे, फिर वापस मिलेंगे, फिर कुछ खाना खाने के लिए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या शॉप किया। जारा की 2 थैली बनी है, बर्शका की 1 थैली बनी है। बर्शका निकालेंगे सबसे पहले। एक टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट एक्चुअली, ये एक चड्डी शॉर्ट्स, और ये एक हुडी।
जिस तरह से आते वक्त हमारा एक एयरपोर्ट लुक था, उसी तरह से जाते वक्त एक हमारा एयरपोर्ट लुक होगा, वो होगा ये एक हुडी। और अब आते हैं जारा की तरफ। जारा में हमारे पास है ये वाली हुडी, और तो इसमें ये है, अगर ये एयरपोर्ट में हम दिखाएंगे तो हमें टैक्स जो पैसे हमने पे किए थे वो रिटर्न मिल जाएंगे, तो इसलिए हमने ये ले लिया। ये एक जैकेट। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज आज के टाइम पे अपने को पसंद आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि हम उसको छोड़ के आ रहे हैं, हम उसको खरीद ले रहे हैं। आज से कुछ 8-9 साल पहले मॉल में अगर कोई चीज पसंद आती थी, लेने की हिम्मत नहीं होती थी, दिल पे पत्थर रख के आगे गुजरना पड़ता था। इसीलिए मैंने काम किया ताकि आज जो चीज पसंद आए वो चीज खरीद सके। लिव लाइफ लिव अ ड्रीम, हमेशा बोलता हूँ ना, लिविंग माई लाइफ लिविंग माई ड्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आए खाना खाने के लिए अभी दरबार में। सारे भारतीय देख के अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया गुरु शाही दरबार, ये स्टार्टर है और भी आ रहा है। हमने क्या ऑर्डर किया है? बिरयानी भी ऑर्डर किया है, मालदा मिलेगी, बटर नान, पालक पनीर, बटर चिकन, दिस इज चिकन टिक्का। ये कुड़ी ने कह दिया अभी आ रहा है। बस अपन है देसी आदमी, कभी भी खाना मिलता है हाथ से खाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि आप ऐसी जगह पे बैठते हो जहाँ पर आपको फोक से और नाइफ से खाना पड़ता है। तो मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप फोक और नाइफ से खाएं। तो फोक ऐसे पकड़े लेफ्ट हैंड से, नाइफ इधर, जो हिस्सा आपको खाना है उस हिस्से पे ऐसे फोक घुसाइए और उसको अच्छे से काटिए, ये निकला डुबाइए चटनी में। सीखते रहते हैं, देख देख के सीखते हैं सब। गणपति बप्पा, देखा ना यहाँ पर सही में आज हमें हिंदुस्तान का असली टेस्ट आया। खाना इतना बढ़िया था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है क्या कि मैं शूट करूँ, भूख भी बहुत लग रही थी, तो फटाफट खाना निपटा लिए, सारा कुछ हो गया, फिर ध्यान में आ रहे यार व्लॉग तो किया नहीं था, इसलिए आपको यहाँ बता रहे हैं। और खाना खाने के बाद में चाय की चुस्की भी हुई, चेस भी किया हमने, मजा आया। मैंने एक दो कमेंट पढ़े थे, वो कह रहे थे कि आप सिर्फ चर्च दिखा रहे हो, म्यूजियम दिखा रहे हो, मस्जिद नहीं दिखा रहे हैं। मस्जिद भी दिखाएंगे आपको आज। देखो मस्जिद जो है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन मस्जिद के बारे में बताएंगे हमारे इमरान भाई। ये है मस्जिद, लाइट ऑफ है इसकी वजह से आपको एकदम ठीक से नहीं दिख रहा होगा। अब बताएंगे मस्जिद के बारे में। मस्जिद का नाम मैं आपको बताता हूँ, मॉस्को कैथेड्रल मॉस्क। ये सबसे बड़ी मस्जिद है मॉस्को की। जब फ्राइडे होता है तो ये जितना आप रोड देख रहे हैं पूरा आर्मी वाले बैरिकेड्स लगाते हैं, और ये रोड उसके लेफ्ट साइड में भी रोड है, पूरा रोड है करीबन 500 मीटर का, पूरा बंद हो जाता है। मुस्लिम लोग बहुत हैं इधर जो नमाज पढ़ते हैं, राइट। तो जितनी कैपेसिटी है अंदर अगर नहीं होता है तो लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं, और वो देखने जैसा मंजर होता है। और ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, पूरे पुलिस वाले, एम्बुलेंस खड़ी होती है यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये बढ़िया गुरु गूगल पे भी सर्च करना आप लोग, थोड़ा आपको दिखेगा और अच्छे से। और तो आपको एक यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगा, ईद नमाज मॉस्को डालोगे आप तो उसमें शायद 5 लाख लोग एक बार नमाज पढ़ते हैं इधर। 5 लाख? हाँ, आपको दिख जाएगा। 5 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, आप देख लेना है उसमें। सच में जी 5 लाख कम है भी, चारों तरफ से आप देखोगे सब समझ जाओगे। इतने सारे लोग, ये देख लो कहाँ कहाँ तक जा रही है आपकी नज़र। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मान सकता हूँ 5 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह। लो भैया जो अभी कमेंट वमेंट कर रहे थे कि मस्जिद वजीद नहीं दिखा रहा, दिखा दिए भैया, दो ही मस्जिद है यहाँ पर, चर्च ज्यादा है तो इसलिए आपको ज्यादा चर्च दिखाया, दो ही मस्जिद है। एक मस्जिद दिखा दे, एक मस्जिद फिर कभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। घर जाने के बाद में जो बुर्ज खलीफा वापस, ठीक है ओके ओके ओके, थोड़ा रुक जाता हूँ, ठंड की वजह से नहीं बोलने हो रहा है।